जनपद मुरादाबाद के थाना मूड़ा पांडे के गांव दलपतपुर एवं दो दर्जन से ज्यादा गांव को जोड़ने वाला रेलवे फाटक 3 घंटे तक बंद रहने से राहगीरों में हाहाकार मच गया। छोटे बड़े वाहन फाटक के बंद होने से 3 घंटे तक लोग फंसे रहे, कई सीरियस मरीज भी थे। आपको बता दें कि शनिवार दोपहर 10 बजे मूड़ा पांडे की तरफ से आ रही तेज रफ्तार एक मैजिक ने दलपतपुर फाटक में टक्कर मार दी, जिससे फाटक डैमेज होकर टेढ़ा हो गया। सिस्टम बेकार होने के कारण बंद ही रह गया। और इस विषय में हमने जब रेलवे पुलिस डिपार्टमेंट दलपतपुर से बात की तो उन्होंने बताया कि यह सब मैजिक चालक की जल्दबाजी की वजह से हुआ है, जिससे ऑटोमेटिक फाटक का सिस्टम बेकार हो गया, जिसके चलते हमने मैजिक चालक पर मुकदमा दर्ज कर लिया है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मगर आसपास के क्षेत्रवासियों का कहना है कि अधिकतर ये फाटक किसी न किसी कमी के कारण बंद हो जाता है, जिससे यहां से गुजरने वाले लोग अधिकतर परेशान रहते हैं। इसमें रेलवे विभाग की लापरवाही है और कुछ नहीं। मगर यहां आपको एक बात और बताते चलें कि 3 घंटे तक फाटक बंद रहने के बावजूद भी बच्चे और बड़े सभी अपनी जान को जोखिम में डालकर फाटक पार करते रहे और रेलवे डिपार्टमेंट के सभी कर्मचारी मूक दर्शक बने रहे। कुछ लोग रेलवे के बराबर से ही पुल के नीचे से गाड़ी डुबाओ पानी से निकालकर अपनी मंजिल तक पहुंचे। इस जल्दबाजी के कारण बड़ी दुर्घटनाएं भी हो सकती थी, मगर रेलवे के अधिकारी और कर्मचारियों को इसकी कोई परवाह नहीं थी।